मुल्तानी मोड का छोड़ी पाकिस्तान का कंसेप्ट है, मुल्तान का कंसेप्ट है। तो ये है इनकी मूंग दाल। 70 years old shop selling kachoris from Multan. Multan से आई स्वाद की सुल्तान। खाने से पता चल जाएगा आपको कि दुकान की हिस्ट्री क्या है। गर्मा गर्म करारी कचौड़ियाँ बन चुकी है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड। दोस्तों हम आ चुके हैं मुल्तानी ढांडा पहाड़गंज, मुल्तान मोठ भंडार पे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप है पूरी दिल्ली में मुल्तानी मोठ कचौड़ी के लिए। मुल्तानी मोठ कचौड़ी पाकिस्तान का कंसेप्ट है, मुल्तान का कंसेप्ट है, पर भाई दिल्ली में बहुत ज़्यादा फेमस है। ट्राई करते हैं वही पुराना टेस्ट, वही पुरानी प्रेजेंटेशन के साथ। तो मुल्तान का कंसेप्ट है, काफ़ी पुराना कंसेप्ट है, और उसी प्रेजेंटेशन उसी रेसिपी के साथ यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। चलिए टेस्ट करते हैं। वीडियो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। आइए, और ये देखिए मैदा आ चुका है। पहले तेल आया, ऊपर से पानी आ गया। हाँ, तो यहाँ पे कचौड़ी बनेंगी जिसके अंदर ये दाल मूंग की रहती है और मसाले रहते हैं। ठीक है, अभी इन्होंने और भी चीज़ें ऐड कर ली हैं, लेकिन मेन जो इनकी स्टार्टिंग थी ना वो इससे थी, मोठ कचौड़ी से। तो अपने पास मोठ दाल के अलावा भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप चाहें तो मोठ चावल भी ले सकते हैं छोटी छोटी प्लेट से। कितने रुपये प्लेट है भैया? 40 रुपये प्लेट है। ऊपर ये सिरके वाले प्याज और मिर्ची और मसाला। तो ये है इनकी मोठ दाल। आप देखेंगे गाइस, आजकल जो मोठ दाल दिखती है थोड़ी सी ज़्यादा आपको लगेगा कलर वगैरह ऐड होता है, लाल रंग ज़्यादा पकड़ा होता है, बिल्कुल नेचुरल लग रही है। रेसिपी वही 70-80 साल पुरानी है जो चला रहे थे पहले से, कुछ चेंज नहीं करा अभी तक। 68 साल से सर। अच्छा, क्या बात है, स्वाद वही रहा है सर इसका? है, बिल्कुल 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 स्वाद बदल नहीं। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिल चुके हैं इनको। 70 ईयर्स ओल्ड शॉप सेलिंग कचौरी फ्रॉम मुल्तान। तो साथ में यहाँ पे कड़ी पकौड़े भी हैं भाई। पकौड़े राजमा चावल, सोयाबीन चाप चावल। अच्छा ठीक है, थोड़े पकौड़े लाइएगा भैया ऊपर। खुशबू तो यार बड़ी गजब आ रही है, मैं इतनी दूर खड़ा हूँ उसके बाद भी गजब, क्या बात है। और खुशबू तो भाई मसालों की ऐसी आ रही है, बहुत बढ़िया। और क्या है भैया? राजमा खत्म हो गया। ठीक है, 40 रुपये प्लेट है सारी चीज़? 40 रुपये। 50 रुपये राजमा कड़ी, 40 रुपये कड़ी चावल, 40 रुपये, और मोठ कचौड़ी भी 40 रुपये। और यहाँ अपनी कचौड़ियाँ मेली जा रही हैं। अंदर मैंने आपको दिखाया था मसाले की स्टफिंग रहती है, मसाले और दाल की। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पता चली यहाँ पे, सुबह अगर 12 बजे से आप पहले आते हैं तो यहाँ पे आपको दाल कुछ और मिलेगी, 12 बजे के बाद कुछ और मिलेगी। भैया इसके बारे में बताइए थोड़ा। क्या? ये आपने बताया कि दो तरीके की दाल आप यहाँ पे रखते हैं कचौड़ी के साथ, सुबह कौन सी मिलती है 12 बजे से पहले? सुबह हरी मूंग पीली दाल मिलती है। हरी मूंग पीली दाल, और ये दोपहर में? दोपहर में मोठ मिलती है। तो इसका क्या चक्कर है, मतलब दाल क्यों बदल रहे हो? दो स्वाद के लिए कस्टमर को अलग अलग स्वाद मिले, इसलिए पहले से पुराना ही वो आता है। अच्छा, ऐसे ही चले आ रही है 70 साल पहले जब आपने दुकान स्टार्ट करी थी, यही है सुबह कोई और दाल, दोपहर में कोई और दाल। तो भाई मैं तो कहूँगा एक बार आप यहाँ सुबह आइए, एक बार दोपहर में आइए, और जो सी दाल का आपको टेस्ट बेटर लगता है उसके टाइम के अकॉर्डिंग आइए। फिर भैया आप देखेंगे पूरी कढ़ाई भर चुकी है, कम से कम 70-80-100 कचौड़ी तो होंगी, है ना, बनते रहते हैं यहाँ पे, बहुत फ़ैन है भाई यहाँ पे। हमने 15-20 मिनट में कचौड़ियाँ पूरी ऐसी की ऐसी बनते रहती हैं। अब जब ये निकलती है तब आपको दिखाते हैं भाई। गर्मा गर्म करारी कचौड़ियाँ बन चुकी है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। चलिए अब जल्दी से लगवाते हैं अपनी प्लेट और आपको टेस्ट करके बताते हैं। सारी कचौड़ी जाएगी अंदर, एक बार पत्ते पे नज़ारा दीजिएगा। हाँ, अपने वैसे अंदर भी अपने डाल रखे है। तो यार सर्विंग भी बिल्कुल पुराने तरीके से होती है ना। मुल्तान से आई स्वाद की सुल्तान, मज़ेदार मोठ कचौड़ी। इतने अखबारों में इनका आर्टिकल आ चुका है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, इतने फेमस हैं। और ये है यहाँ की मोठ दाल। सर मुझे थोड़ी रेसिपी का बताइए इसमें, मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें जाती होंगी, बॉईल करके थोड़े बहुत मसाले, मतलब लोग जो हैं काफ़ी कलर वगैरह भी मैंने देखा ऐड करते हैं। आपका रेसिपी का क्या रहता है कंसेप्ट? हमारे पास ये स्पेशल मसाला रहता है। अच्छा, और ये मूंग की दाल रहती है जिसको बॉईल, मोट होता है? हाँ, मोट की दाल रहती है, उसको बॉईल करके फिर मसाले ऐड करते हैं अपने, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है।
ठीक है गाइस, तो हमने दो प्लेट हाफ लगवा लिए, दो प्लेट सही है बिल्कुल, गाढ़ी मिक्स करते हुए। ये अच्छा, ये पूरे दिन ये पकते रहती है नीचे से। तो पहले आ गई भाई दाल, चावल, मसाला, प्याज और हरी मिर्च। ये क्या मीठी है, इमली की खट्टी चटनी? इमली की है, खट्टी वाली। उससे और मसाला और साथ में आ गई कचौड़ी, बहुत सही। 25 रुपए की प्लेट है, बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल स्टाइल जो 70 साल पहले देते थे। और किसी को मोठ चावल लेने हो तो वो इसी में बनाते हैं, बड़ी प्लेट होती है उसमें, इसी में रहते हैं। दोनों चलिए भाई, मज़ा लेते हैं। सो गाइस, हमारी प्लेट आ चुकी है, हमने दो हाफ प्लेट लगवाई है 25-25 रुपए की। यार प्रेजेंटेशन देखो यार, मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक, जो 80 साल पुराने सर्व करते होंगे ना, सेम उसी स्टाइल से इन्होंने हमें दिया है, वही स्पेशल, वही मुल्तानी मसाला, कुछ भी चेंज नहीं करा इन्होंने। और लोग अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था, कस्टमर भी हैं जो कि पिछले 60-70 सालों से आ रहे हैं और स्वाद को सेम बता रहे हैं। अंदर मसाला है, पिट्ठी है, दाल है, आइए ज़रा स्वाद लेते हैं। इमली की जो चटनी है ऊपर डाली उन्होंने भाई, बहुत खट्टी है, मज़ा आ रहा है खाने में। थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। अमेजिंग यार, ये चटनी तो मुझे ऑर्डर लगानी पड़ेगी थोड़ी। भाई खाने से पता चल जाएगा आपको कि दुकान की हिस्ट्री क्या है। दाल में इतना मज़ा आ रहा है, इतनी गाढ़ी दाल लग रही है और बिल्कुल पकी हुई, जो घुटी हुई दाल होती है ना, धीरे धीरे पकते रहती है, तो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है खाने में। अमेजिंग यार, बहुत बढ़िया। खाने से आपको पता चल जाएगा कि दुकान को कितने साल का एक्सपीरियंस है ये चीज़ बनाने का। परफेक्ट यार, बहुत अमेजिंग। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, टेस्ट इन्जॉय करना चाहते हैं, तो 7 डेज़ आप आ सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक की दुकान ओपन रहती है। फ़र्क बस यही है, 12 बजे तक आपको कोई और दाल मिलेगी, 12 बजे के बाद कोई और दाल मिलेगी। मैं 12 बजे के बाद आया हूँ, पर ये दाल मुझे बहुत बढ़िया लग रही है। अगर आप कमेंट में हमें कहते हैं कि भाई सुबह की भी वीडियो बनाओ यहाँ की, तो हम ज़रूर आएंगे सुबह भी यहाँ पे, और इनके दूसरे वाली दाल भी ट्राई करेंगे। लेकिन उसके लिए इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आपको दिलवाने होंगे। शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो, और इनकी डिलीवरी भी है ज़ोमैटो से। पर खाने का मज़ा यही है, जो गर्म गर्म दाल आएगी और गर्मा गर्म कचौड़ियाँ आएंगी ना, उसके खाने का मज़ा तो आपको यहीं आने वाला है। तो भाई भैया ने बताया कि यहाँ के जो कचौड़ियाँ हैं, दूर दूर तक जाती है भैया, यानी कहाँ कहाँ तक जाती है? जयपुर जाता है और नोएडा जाता है, 5 स्टार होटलों में। 5 स्टार होटल में जाता है? हाँ जी। क्या बात है, आपसे ऑर्डर लेते हैं फिर वहाँ पे, वो मतलब यहाँ तो 40 रुपये प्लेट है, वो 400 रुपये प्लेट करके बेचते हैं। चलो ये भी ठीक है, स्वाद है भाई, क्या कह रहे हैं, ऑथेंटिक स्वाद है। अब जो खाने वाले शौकीन है वो आप जानते हो कि वो पैसों की चिंता उतना नहीं करते, उनको वो स्वाद चाहिए, वो यहाँ मिल रहा है यार, वो वाली बात है।